एयरटेल दे रहा है फ्री में 1000 GB। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ही सही सुना, एयरटेल सच में 1000 GB डाटा दे रही है। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, इसी तरह की अच्छी अच्छी फ्री डाटा वाली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब जानते होंगे, आप लोगों को लगता होगा क्या कि जियो का जो गीगा फाइबर है देन वो सबसे सस्ता है, लेकिन आप ये बिल्कुल ही गलत सोचते थे। हाँ था, सस्ता तो था, लेकिन जब से एयरटेल ने ये ऑफर लॉन्च कर दिया है देन एयरटेल भी उससे सस्ता हो गया। इतना अच्छा ऑफर है कि इसके अंतर्गत आपको 1000 GB फ्री डाटा मिल जाएगी, वो बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो उससे पहले मैं आज के इस वीडियो में सारी बात बता दूं, उससे पहले ये बता देना चाहता हूं कि आज से पहले इन्हीं कंपनियां एयरटेल वोडाफोन जितनी भी कंपनियां है देन 1000 GB डाटा देने के लिए 1000 रुपया लेती थी, लेकिन जब से जियो ने इंडिया के अधिकतर क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लिया है देन तब से इन कंपनियों की हालत खस्ती हो गई है, जिस कारण से ये आगे आने के लिए फ्री डाटा आज दे रही, काफी सस्ता प्लान ला रही है दोस्तों। तो कैसे भी करके फायदा तो हम लोगों को हो रहा है, उधर जियो सस्ता प्लान दे रहा है, एयरटेल सस्ता प्लान दे रहा है, सब मिलके चाह क्या रहे हैं, सस्ता प्लान दे रहे हैं ताकि यूजर्स उन्हें अपना ले और वो काफी आगे तक जा सके। तो इसी के चलते एयरटेल ने काफी सस्ता प्लान लॉन्च किया है जिसमें आपको 1000 GB फ्री डाटा मिल जाएगी। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। जैसा कि जियो लॉन्च करने जा रहा था अपना फाइबर सर्विस, ठीक उसी तरह से एयरटेल का भी फाइबर सर्विस है जो कि पिछले 1 साल से भारत में चलती आ रही है। एयरटेल का भी फाइबर है, ऑप्टिक केबल के ऊपर काम करती है दोस्तों, ये जो कि काफी अच्छी स्पीड इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों आज से पहले चल किया था इसका जो भी फाइबर सर्विस है एयरटेल का, उसमें अगर 799 का अगर प्लान लेते थे उसमें आपको 100 GB डाटा मिलता था 40 MBPS पर सेकेंड के हिसाब से, लेकिन अब दोस्तों अब ये प्लान चेंज हो गया, देन आपको 100 GB डाटा तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको 200 GB डाटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा एयरटेल के तरफ से, वो भी टोटली फ्री और 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होगी दोस्तों। उसके बाद जो एयरटेल का भी फाइबर का 1099 वाला प्लान था जिसके अंतर्गत आपको 300 GB डाटा मिलती थी, उसको आप चेंज करके आपको उसके अंतर्गत 300 GB डाटा तो मिलेगी ही, साथ में 500 GB एक्स्ट्रा डाटा मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी दोस्तों। काफी अच्छा गेम खेला है एयरटेल ने जियो से आगे निकलने के लिए दोस्तों। उसके बाद जो हम बात करें एयरटेल का जो तीसरा भी फाइव सर्विस का जो प्लान था जिसके अंतर्गत आपको 1599 रुपये बोले तो 1600 रुपया में आपको 800 GB डाटा मिलता था आज से पहले, लेकिन जब से जियो ने अनाउंसमेंट किया है कि उसका भी फाइबर आने वाले 5 सितंबर को, तो इसमें चेंज करके आपको 800 GB डाटा तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको 1000 GB फ्री डाटा मिलेगा, वो भी बिल्कुल ही फ्री दोस्तों। तो इन सारे ऑफर्स के आने के बाद देखिए, पहला ऑफर था जो उसके अंतर्गत 799 वाला, देन उसमें भी आपको 200 GB डाटा फ्री मिल जाता है, उसके बाद 1099 उसमें भी आपको 500 GB फ्री डाटा मिल जाता है, और तीसरा ऑफर था 1599 वाला, उसमें भी 1000 GB फ्री डाटा मिल जाता है, 1500 200। टोटल बात करें तो 1700 GB फ्री डाटा मिल गया दोस्तों, वो भी एक इतना आसान सस्ते पे। अगर आप लोगों ने अभी तक जियो का फाइबर लेना चाहते थे या ब्रॉडकास्ट लेना चाहते हैं तो ये प्लान छोड़ दीजिए और रिटर्न एयरटेल में आ सकते हैं, क्यों एयरटेल ने इतना ज्यादा सस्ता हो गया है। अगर बात करें हम जियो के प्लान्स की तो जियो को प्लान्स भी इतना सस्ता नहीं है ब्रॉडकास्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।